दर्शकों नमस्कार। खबर आई हरदोई उत्तर प्रदेश से, जहां जिला प्रशासन एवं कोरोना योद्धा टीम द्वारा आयोजित कोविड 19 टीकाकरण शिविर में 288 लोगों को लगी वैक्सीन। हरदोई धर्मशाला रोड पर स्थित छत्री भवन में जिला प्रशासन एवं कोरोना योद्धा ग्रुप की ओर से आयोजित निःशुल्क टीकाकरण कैंप का शुभारंभ रेड क्रॉस सोसाइटी हरदोई शाखा के सभापति एवं सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि एवं जनपद के टीकाकरण प्रभारी राजेश अग्निहोत्री का कोरोना योद्धा के टीम के अखिलेश यादव एवं पंकज सिंह ने बुके भेंट कर किया भव्य स्वागत। मुख्य अतिथि ने कोरोना योद्धा टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। टीकाकरण प्रभारी अग्निहोत्री ने कहा कि भारत सरकार प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप 45 वर्ष से ऊपर के महिला व पुरुषों तथा 18 से 44 वर्ष तक के युवक युवतियों को स्वास्थ्य विभाग एवं कोरोना योद्धाओं के सहयोग से अधिक टीकाकरण कराया जा रहा है। आपने कहा कि निडर होकर कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। उक्त टीकाकरण में टीका लगवाने आए लोगों के टीकाकरण के प्रति शंकाओं का निवारण आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आलोक सिंह राठौर एवं उनकी टीम ने किया। टीकाकरण कैंप में छत्री महासभा के उपाध्यक्ष आचार्य शिवशरण सिंह चौहान, कोरोना योद्धा ग्रुप के अशोक सिंह, लालू प्रभाकर पाठक, विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक ओमवीर सिंह, वैभव सुविज्ञा स्वरूप तान्या, विद्यार्थी कार्तिकेय शुक्ला कार्तिक शिक्षा विभाग के ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, रचना राठौर, सौरभ समेत विद्यार्थी परिषद के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। हरदोई से संवाददाता विकास सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।